feeling of new love is all mush and all spice. हमारे पास जो मैसेज आया था उसमें ये था कि हम लोगों को हमारे पहले लव असाइनमेंट के लिए जाना था, तो कुछ डर भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था कि क्या होगा, अब नया दिन है। उनको देख के हम इतने खुश हो गए थे क्योंकि गोवा की गर्मी में पूल के पास जाना वाज अ रिलीफ। वेलकम टू एमटीवी लव स्कूल सीजन 4। आई वांट टू आस्क यू, डज एनीबॉडी नो व्हाट लव बॉम्बिंग इज? करण, I've heard of photo bombing, but ये ऐसे ही कुछ होगा। मतलब दो लोग प्यार कर रहे हैं और मैं बीच में जाके बॉम्ब कर रहा हूँ। सारे कंफ्यूज थे क्योंकि फोटो बॉम्बिंग सुना है, सुसाइड बॉम्बिंग भी सुना है, प्यार में कौन से बम फेंकने हैं अब मुझे। मैं तो घबरा गया क्योंकि जहां से मैं हूँ हर दिन बॉम्बिंग ही होता है, मैंने सोचा यहाँ पर क्या बॉम्बिंग होगा। बेसिकली लव बॉम्बिंग मतलब क्या होता है, when आप हमेशा एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अच्छा लव कॉन्स्टेंटली मतलब 24/7 गिफ्ट्स के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ, लाइक एन एक्सप्लोजन ऑफ लव, शेयरिंग ईच अदर विद लव। यस, सो दैट्स व्हाट वी वांट टू टीच यू टुडे, इट्स ऑल अबाउट लव बॉम्बिंग। You too, Dev Pujan, you're in the honeymoon period. आपका भी एक नया relationship है। ये तो love bomb bomb bomb। आप लोग कैसे love bomb फोड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर? Okay, मुझे इसको actually beach पे fire जला के एक private beach पे लेके जाना है, वहाँ पे drinks, candlelight, some nice food, cocktails. Oh. Pujan? I want him to meet my parents. That is the way I want to appreciate. Oh, that's a huge thing. ऐसा लव तो शायद जिजल भी मुझे नहीं करती है जैसे पूजन देव को करता है। Alright guys, आज हम आपको लव बॉम्बिंग का ही एक बहुत अच्छा मौका देने वाले हैं। इट्स टाइम फॉर द फर्स्ट लव असाइनमेंट ऑफ एमटीवी लव स्कूल सीजन 4। बट बिफोर दैट वी नीड टू असाइनमेंट में लड़कों की बारी थी लड़कियों को चूज करने की, तो मुझे ऐसे कुछ लग रहा था कि यहाँ पे शायद कुछ चक्कर चलने वाला है। Are you guys ready? Yes. All right, Ramesh. लास्ट टाइम हम दोनों ने लव एग्जाम परफॉर्म किया है, हमारी केमिस्ट्री भी अच्छी थी और हम वो लव एग्जाम जीत भी गए थे, तो मुझे ऐसा था कि कहीं ये मुझे चूज ना कर ले। मैं घबरा रहा था, thinking who is Rami is going to choose, is he going to choose Manpreet again, is he going to go for Mukta? 3 days we've been here, 3 days is all you've done. I don't want to fight with you, you will talk in private as a couple. Go, leave, leave. Obviously, क्योंकि हमारा इश्यूज चल रहा है और अगर टास्क है लव बॉम्बिंग और अगर मुझे चांस मिल रहा है मैं कुछ अच्छा करूँ अपनी पार्टनर के लिए, मैं ऑब्वियसली जिजल को चूज करने वाला हूँ। जस्ट टू मेक अप फॉर ऑल द शिट बिहेवियर जो मैंने किया है इन द पास्ट फ्यू डेज। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे चूज किया एंड नॉट मुक्ता। ऐसा लग रहा था यार ये भी कहीं मेरी तरह ना कर दे, ये किसी और को सिलेक्ट ना कर ले। I am wondering if Sunny is going to choose me again. I kind of hope he will because he is so tall. If there's anything in the pool, I know that he will just be like, boom, boom, done. मैं मनप्रीत को इसलिए चूज़ किया है कि वो मैंने पिछले टास्क में देखा कि उसमें कितना चेंज आया है, अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी सच में चलेगी या वापस इसी की चलने वाली है आज भी। हम दोनों बहुत खुश थे कि इस बार हम दोनों को क्लोज आने का चांस मिलेगा। गौरव, यप,
Your turn. मेरी गौरव से बात हुई थी कि हम लोग परफॉर्म करेंगे एंड वो काफी इंटरेस्टेड भी था. I have chosen Eliza. Oh. लास्ट टाइम गौरव ने मुक्ता को चूज किया था पर यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया. एग्जैक्टली उस पर क्रश था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. गौरव आपने कल किसके साथ परफॉर्म किया था? मुक्ता. और आपकी परफॉर्मेंस आपको क्या लगता है कैसी थी? वर्स्ट परफॉर्मर था. और आपका इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है मुक्ता के साथ, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी किसी चीज में रही नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हो? मुक्ता आज आपको गौरव ने चूज नहीं किया है बिकॉज उसको लगता है कि आपके साथ उसका बॉन्ड नहीं है, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं कर पाए, ऑलमोस्ट जाने वाले थे घर से. हाउ डू यू फील अबाउट दैट? He chose what he wanted to choose, and I'll find somebody better. तूने अब तक तो हमको जाना भी नहीं था, देखा भी नहीं था हम साथ में कैसे हैं, बॉन्ड बन रहा है नहीं बन रहा है, सीधा जाके अपना जजमेंट सुना दिया. मेरी तो पूरी सटक गई थी. Alright, Sagar. गेम थोड़ा सा चेंज हो रहा है फिर से. गौरव ने एलिजा को चूज किया. सागर क्या कर रही हो तुम? ओह एंड व्हाट अ चॉइस. अपेरेंटली आई नो मैं और एलिजा थे साथ में बट वो ये कि हम लोग इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाए. एंड व्हेन आई स्टार्टेड एक्चुअली टॉकिंग टू मुक्ता तो मेरे को लगा हम बहुत देयर आर लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल अराउंड हर एंड आई नो वी कैन बी अ बेटर पेयर. मुक्ता इज ब्लशिंग. क्या हुआ मुक्ता? सागर ने बोलती बंद कर दी. मेरे को ऑलरेडी उसमें काफी इंटरेस्ट था, उसने भी इंटरेस्ट दिखा दिया था, तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि यहाँ पे शायद कुछ चक्कर चलने वाला है. मुक्ता आप कुछ नहीं बोल रही? I just said I'll find somebody better. सागर बहुत ज्यादा स्वीट बन रहे थे वहां पे, कह के वो मुक्ता की तारीफें कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें मुक्ता से बॉन्ड बनाना है क्योंकि मुझे पता था बिल्कुल फेक है. सर एलिसा कैन आई स्पीक समथिंग? या ऑफ कोर्स. कल एलिमिनेशन से पहले ही केम टू अस एंड ही सेड अब मैं मुक्ता के साथ पेयर अप करूंगा बिकॉज शी इज इन द हाईलाइट. और वो मैंने हाईलाइट कभी नहीं बोला. बहुत स्ट्रांग कंटेंडर. आई नेवर सेड हाईलाइट. ये झूठ है. नवप्रीत घुस जाता है. मैंने तो तभी ठान ली अपना इसकी मैंने तो मेरा नाम बदल देना. किसने कहा मुक्ता गुड परफॉर्मर है यार? वो तो बकवास और मोस्ट गटिया परफॉर्मेंस लिया. अगर हूँ तो हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ, मैं अपना गेम खेलूंगा. वो कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं था उस वक्त. जो हमने कल सीखा है एक साथ, I would like to make my bond stronger with her. तुम घूम फिर के हमेशा वापस सोम्या के पास जाओगे क्योंकि इस स्कूल में कोई और तुम्हें बाव ही नहीं देता. इवन देवर पूजन तुम्हें बाव नहीं देगा ब्रो. गुंजन मैं जीतू या हारू मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ उसके साथ जो मेरा कनेक्शन है वो ना टूटे मुझे उससे जरूर फर्क पड़ता है. निपुन, yeah. Go for it. को पता था मेरे को इसको ही चूज करना पड़ना था तो मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं था. तो तेरे को हमें किसी ने फोर्स थोड़ना किया कि तूने मेरे को ही चुनना है. चूज कर लेना किसी और को. मैं किसी और के साथ चली जाती. नवप्रीत पिछली बार मैं एलिमिनेशन में चली गई थी अपने स्टूपिड डिसीजन की वजह से, तो इस बार इसने मेरे को ही चूज करा और मैं बहुत खुश हुई.
Moving on, चल भावे। जितने भी couples थे, वो आ गए अपने पुराने पैर्स के पास कि नहीं नहीं हम ये अपने पुराने पैर्स नहीं छोड़ूंगा भाई, किसी और के साथ करो, मैं अपनी बंदी नहीं जाने दूंगा कहीं। Students, आज के हमारे MTV Love School Season 4 के पहले लव असाइनमेंट का नाम है बेबी पुल मी क्लोजर। बेबी पुल मी Closer. No. पहला लव असाइनमेंट था जो मैं और सनी साथ में कर रहे थे और मुझे इस बात की खुशी थी कि एटलीस्ट मैं इस असाइनमेंट में अपनी बेबी को खींच रहा हूँ, किसी और की बेबी को नहीं खींच रहा मैं। अब अपने अपने पार्टनर्स के साथ एक रोप में बंधे होंगे और ऑपोजिट एंड में खड़े होंगे। पूल के बीच में पांच गिफ्ट और आपको ये पांचों गिफ्ट एक एक करके स्विच करते हुए इकट्ठे करने टू लव बॉम्ब ईच अदर। एक 15 फीट की स्लाइड से फिसल कर नीचे उतरते हुए एक टाइम पर एक ही पार्टनर पूल के अंदर गिफ्ट लेने जा सकता है एंड द पार्टनर द फार एंड हैज टू पुल द पार्टनर इन द पूल। फिर बोथ द पार्टनर्स विल स्विच प्लेसेस एंड रिपीट। जो कपल सबसे जल्दी पांचों गिफ्ट इकट्ठे कर लेगा वो इस असाइनमेंट को जीत जाएगा। इतना प्यार, इतना क्लोजर, इतना हॉटनेस, ये जो सब होने वाला है ये पानी में होने वाला है। मैंने बोला अब तो गई मैं पूरा पानी में। जो भी कपल आज का हमारा ये लव असाइनमेंट सबसे कम टाइम में करता है दैट कपल विल बी सेफ इन आवर नेक्स्ट जजमेंट नाइट। कोई फर्क नहीं पड़ रहा था हमारे ऑपोजिट कौन है, किसके साथ हमें कम्पीट करना है, हमें बस ये पता था मैं हूँ मनप्रीत है बस, और कोई था ही नहीं हमारे आगे पीछे। हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज था कि हम दोनों को स्विमिंग अच्छे से आती है। कॉन्फिडेंस हमारा पूरा टूट गया था क्योंकि हम में से किसी को भी स्विमिंग नहीं आती थी। मनप्रीत, सनी, तन्वी एंड नवप्रीत, you know what's special about this, aap sab comfort zone se bahar gaye aur wapas aaya, so let's see how you perform today's love assignment. Are you ready? Yes. Yes. 3, 2, 1 go. come on Go for it. ना swimming aati na kuch, itna niche chale gaye ki ekdam se meri saans phool gayi, upar aaye to ekdam se aisa lag raha puri duniya hil gayi। गिफ्ट जो कि पानी के अंदर बंधे हुए हैं उनको खोलना इज नॉट दैट इजी। खींच खींच खींच। मैं तो दुआ कर रहा था ये डूबे ना, कितना बड़ा लायबिलिटी होगा वो। ठीक तन्वी खींच। पूरी कोशिश करी कि एक हाथ से जितनी जल्दी हो सके मैं क्रॉस करूं। तन्वी खींचो नवप्रीत को। यस Sunny is so tall, all he has to do is whoom, whoom, and he's already across the entire swimming pool. Come on, Tanvi! Tanvi, Navpreet और Sunny Manpreet दोनों का थोड़ा neck to neck चल रहा था, अच्छा लग रहा था उन्हें देखने में। Tanvi fast, Tanvi fast, you can do it, Tanvi. खींच, खींच, खींच। Tanvi, Sunny खींच। ऊपर जाके मुझे बड़ा मजा आ रहा था slide में फिसलते हुए, मुझे ऐसा लग रहा था मैं aqua park में हूँ। Sunny pull her closer. मेरा मुंह पानी के अंदर था, मुझे लग रहा था कि शायद ये पुल करेगा तो मेरे लिए इजी होगा, ये देख ही नहीं रहा था कि मैं कहाँ हूँ। नवप्रीत पुल। नवप्रीत खुद ही कर गया, वेरी गुड। नवप्रीत खुद को संभाल। कम ऑन सनी फास्टर, कम ऑन। जब मैं थर्ड गिफ्ट लेने के लिए वहाँ पे जा रहा था तो मैंने देखा कि तन्वी सेकंड गिफ्ट के लिए अभी भी वहीं पे स्ट्रगल कर रही है। चल 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 नवप्रीत कम ऑन। सनी तो भाई साहब वो तो एक्वामैन की तरह आगे जो गया, I was like good one। उनको देख के लग रहा था कि असाइनमेंट में तो कुछ है ही नहीं, बस जाना है आराम से मस्ती मारने और वापस आ जाना है। मनप्रीत पुल। वो ऐसे कूद रहा था पूल में, ऐसे गिफ्ट्स ले रहा था, मैंने सोचा था यही है हमारा तगड़ा कॉम्पिटिशन इस सीजन पर और हमको इनको जल्दी से निकालना है। मेरी आंखें सनी मनप्रीत से नहीं हट रही थी क्योंकि वो इतना प्रोफेशनली एफर्टलेसली कर रहे थे।
जैसे ही मैं नीचे आया तो इस बार पानी में जाते ही मेरा थोड़ा सा बैलेंस खराब सा हो गया था और मैं काफी डर गया था क्योंकि पानी मुंह में चला गया था। Guys, half time is over. Come on, Tanvi. Come on. Untangle kar usko. Hamara task acha tha, bahut mujhe bahut maza aaya. Bahut maza aaya. Hum dekh rahe hain ki abhi Navpreet gift wo bhi leke aa rahe the. This one. गिफ्ट निकालना था वो पानी के अंदर था। आगे से इसने चिल्ला के मुझे बताया कि एक गिफ्ट आगे भी है और फिर वो वाला गिफ्ट किसी तरह मैंने लिया। मुक्ता एंड सागर, एलिजा एंड गौरव। पूल के बाजू में खड़े रहने का उसमें ही लग चुकी थी तो पता नहीं मैं बेबी को कितना क्लोज खींच पाऊंगी। मेरी तो के हाथ में आ गई थी क्योंकि मेरे को पानी से बहुत डर लगता है। 3, 2, 1, go! मैं और सागर चाहते थे कि कुछ बॉन्ड बनाए तो वो थोड़ा जोश था मेरे में कि मुझे सागर के लिए करना है। खींच मुक्ता। Come on, मुक्ता! Pull it! Pull! Eliza, pull! Eliza was pulling me like anything. Wow! स्ट्रेंथ है बंदी में। कम ऑन सागर, कम ऑन। खींच एलिजा। सागर और मुक्ता से तो मुझे किसी हालत में नहीं हारना था। हम दोनों के वो एक्स पार्टनर्स थे और उन्हें हराना बहुत जरूरी था। जल्दी जा। नहीं डर क्यों रही है? अबे इसको पकड़ो, जाओ। गो मुक्ता। मुक्ता गो। इतनी फट्टू है तू, जितना दम तेरे में बोलने में होता है उतना दम टास्क टाइम पे कहाँ जाता है? ट्राई तो कर, एक बार जा, धीरे जा, इसको पकड़ियो और ऐसे धीरे-धीरे चली जाइयो। सागर ने पहले बोला था कि नई स्ट्रॉन्ग कंटेंडर भी है। अभी ऑल आई कुड डू वाज लाफ कि ये कैसा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है कि ये पानी में भी नहीं घुस पा रहे हो। धीरे जा, इसको पकड़ियो और ऐसे धीरे-धीरे चली जाइयो। अरे चलना चलते कि उसको भी नहीं आता, उसको भी जा रही है। अंदर से मुझे बहुत मजा आ रहा था कि आज तो ये अपनी बेइज्जती करवा के रहेगी। आई कांट स्विम। क्या हो रहा है? नो वन कैन स्विम। यू हैव अ लाइफ जैकेट ऑन, यू कांट ड्राउन। डू यू ट्रस्ट मी? जस्ट ट्राई इट। कम ऑन, बी दैट ब्रेव गर्ल। यस। कहीं ना कहीं डाउट लग रहा था कि यार सागर पे भरोसा रखे या नहीं। यस। Eliza, pull! Keech! Very good, Mukta! You can do it, Mukta! Mukta, kuch nahi ho raha, jacket hai, jacket hai, niche nahi jayegi! You can do it! रो रही है चिल्ला चिल्ला के, लेकिन जैसे पता नहीं किसी बिल्ली को नहलाने के लिए डालते हैं। You're all right, come Mukta, on. You're all right. Mukta, I'm here. She's like, I can't breathe. And she starts crying. I'm just like, again, woman. All that swag, all that sass. बहुत सारे लोग थे जिन्हें स्विमिंग नहीं आती थी, बट मुक्ता को कुछ अलग करके दिखाना था। नहीं थी और उसने दिया रो रो के। Pull! Yes, Mukta, pull. Go for it, Mukta. Face your fears today. This is your chance. Somehow कैसे स्ट्रगल करके मैं फाइनली वो स्लाइड तक पहुंची, लेकिन जब बारी आई स्लाइड से नीचे आने की, मेरे तो उधर ही पैर जम गए, होश खो गया, जोश खो गया। Come on, are you ready, Mukta? I'm right here. Mukta, you can do it. Trust me, you will face your fear today. There is nothing that's gonna happen to you. आई थिंक किसी ने स्टैचू बोल दिया था कि वो वहां पे बस बैठ गई है। ये तो बेइज्जती मत कर, अपनी क्विट तो मत कर कम से कम टास्क। मुक्ता, लुक एट एलिजा। आई एम राइट हियर, नथिंग्स गोना हैपन टू यू। गो फॉर इट मुक्ता, वन टाइम। रेडी एंड गो। जा मुक्ता, एलिजा फास्ट। 2, 1, गो फॉर इट। मीन टाइम एलिजा एंड गौरव आर जस्ट लाइक
present. present. वाटर कोर्ट ही यहाँ नहीं आ सकती, वो अभी नीचे को आजाद है। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया उस टास्क में, पता नहीं क्या हुआ कि मेरे मुंह से बहन निकल गया। मैं चीख रहा हूँ, बहन अब तो आ जा यार, नीचे आ जा। वो इतना बड़ा कुत्ता है साने कि वो वहाँ पे उसे मोटिवेट करने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे। 30 seconds remaining, come on. लास्ट राउंड चल रहा था हमारा, तो कोई टेंशन तो थी नहीं उन्हें बीट करने की। वो तो पहला राउंड ही उनको कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोगों ने 5 पूरे कर लिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1 Alright guys, time's up. Mukta, आप परफॉर्म नहीं कर पाए, your time's up. एक भी गिफ्ट मैं नहीं ले पाई यार। मुझे इस चीज का इतना बुरा लग रहा था कि मैं सागर के लिए नहीं कर पाई। Sorry, I couldn't do it. No, it's okay, it's okay. It is, you gave it a shot, you try it, pagal. होता है, don't worry. आजा, आजा. मेरा कट गया वहाँ पे। पहले लव असाइनमेंट में मुक्ता के साथ जिस जो लोगों को लग रहा था सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, वहाँ पे हम लोग सबसे वीक निकले और हम हार गए। जब स्विमिंग पे जाते हैं तो उल्टा बैठ के नहीं ऐसे जाते हैं, तो हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी वही थी। Look how he's pulling him! You go, Punjan! Go, Punjan! Go! Punjan, don't waste time. Go, Punjan, don't waste time. Oh yeah, you're just throwing that. चल, चल, चल. Punjan, very good. Come on, come on, Punjan. Oh my God, work it, work it. देवर पूजन ने बहुत एक रिलैक्स और बहुत एक डीवा स्टाइल से नाच नाच कर यू नो टास्क कर रहे थे। मुझे देव के बारे में सबसे अच्छी चीज लगती है उसका कॉन्फिडेंस, वो किसी चीज के लिए पीछे नहीं हटता है, बहुत ज्यादा गो गेटर है। वो दोनों क्या आइटम है, वो दोनों लगे हुए, मतलब मैंने जितना उनमें लव बॉम्बिंग देखा मैंने किसी कपल में लव बॉम्बिंग इतना नहीं देखा। निपुण सेंटर से, हाँ ध्यान से। लाइफ जैकेट डाल के स्विमिंग करने की बिल्कुल आदत ही नहीं थी, तो वहां पे कहीं ना कहीं मेरे को मुश्किल आई। चल चल निपुण, भाग निपुण, भाग भाग। चल ब्रो, गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। निपुण की कुछ समझ नहीं आ रहा उनके बीच में क्या हो रहा था। निपुण जल्दी जल्दी, निपुण कम ऑन, गो पूजा एंड गो फास्टर। चल खींच निपुण, खींच देव भूल गया दैट ये स्विमिंग पूल है, इसने सोचा ये पेरिस फैशन वीक है और वो निकल गया पूल से, वो रनवे कर रहा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन देव, जल्दी कीजिए, गो 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 गो। देव एंड पूजन बहुत स्मूथली उन लोगों ने परफॉर्म किया, उनका कोऑर्डिनेशन डेफिनेटली दिख रहा था। लास्ट गिफ्ट, कम ऑन Go, Dev! Just pull it, Dev! Well done. Keech, 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 Nippon! Connected, come, bird! No, no, no! Yes! Keech, man, that's all I was like, Keech, Nippon, Keech! And he's like...
चल 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 निपुण चल वेल डन। निपुण का इतना अच्छा प्रभाव पड़ा रूही पर कि ये टास्क में वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए। इनसे तो हम obviously better होने वाले हैं। हम इनका वाक बचाने वाले हैं। अब हमारी अंदर से बहुत रही थी बिकॉज हम दोनों नॉन स्विमर्स थे। डिजेल रमेन भवें रितिका इन 3 2 1 गो। कम ऑन डिजेल, डिजेल में आग लगा है ऐसे। हमारा स्ट्रेटजी था अगर हम बहुत रिलैक्स रहेंगे और बिंदास से काम करेंगे। कम ऑन भवें, कम ऑन। उसे स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती है तो मेरे को ये देखना था ये हाथी का बच्चा जाएगा अंदर पूल में और क्या करने वाला है। Go for it, Giselle, come on! Keech, 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 remain faster! He was very good at pulling me closer. I was just holding the present, flapping my legs, and it was so easy for us. पहले मैंने मनप्रीत के साथ शुरू किया था और इस बार I was with Giselle, so it was very good. I think हमारा coordination और chemistry was perfecto. चल 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 भवे, जल्दी जल्दी जल्दी। जब वो हमसे थोड़ी स्पीड अप कर रहे थे तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो रहा था कि हम पीछे रह गए। फास्टर फास्टर जिजेल फास्टर। ओह माय गॉड, इवन व्हेन यू स्विम इट्स फनी। खींच खींच खींच, यस खींचती रहे। जिजेल लेट द रोप गो। नॉट आई मीन इट्स स्टक, इट्स स्टक। It was going so good until our rope got stuck. Swami, go Amanda! Go Amanda! Aapki ropes phans gayi hai, usko nikaliye. Giselle, let the rope go! Faster, faster, Giselle, faster! No, no, just go! जिजेल और रमीज के बीच में मेरे को एज अ कपल कोई कोऑर्डिनेशन लगी नहीं, उनकी रोप्स इंटेंगल हो रही थी, कोई केमिस्ट्री नहीं थी। चल 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 भवे, जल्दी जल्दी जल्दी। चल रहे थे का बहुत बढ़िया। चल 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 चल। चल रमीज। चलो रमेश, गो गो, जिजेल पुल पुल, नहीं तो फिर पानी के अंदर जाएगा वो डॉल्फिन कहीं का। Very nice, Giselle, and I don't know what Ramesh is doing, but very nice. Yes. चमक भैया आपने, हाँ 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 चमक भैया। Ritika, you're moving so slowly. चल 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 चल। ये जो इतना बहुत बोलते हैं कि हम 7 साल का हमारा रिलेशनशिप है, वो मुझे दिख नहीं रहा था वहां पे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था एक दूसरे को उन्होंने पानी में फेंक दिया था। गो गो। जल्दी जल्दी रितिका, जल्दी कम ऑन। जैसे ही मैं पानी में स्लाइड हुई वो एकदम में डेप्थ में गई और गिफ्ट मेरे हाथ से छूट गया। रोप को छोड़ दे, वहीं चली जा। ये वाला ले ले, ये वाला ले। इधर आ इधर। भवे आराम से। रमेश ने वो रोप को अपने हाथ में ऐसे लपेट लिया, वहीं पे ही उसकी रोप फंस जाती है। रमेश, चल चल चल। ये रस्सी हमारा बड़ा दुश्मन होने लगा। At this point, we kind of panicked a little bit. Ramesh, Giselle, focus. पानी भरने का ताकि जिजेल को लेके डूबे। जिजेल, यू गो टू द अदर साइड ऑफ द रोप। यस यस, कम ऑन भवे, मौका मिला तुझे। आराम से जिजेल। रमेश, चल चल चल। हमने रोप को फिक्स कर लिया और अभी मैं स्विम कर रहा हूँ टू गेट द लास्ट 2 प्रेजेंट्स। Go Giselle, go! हम दोनों का chemistry और coordination task में अच्छा था। I knew together we could do this. School में ये हमारा पहला together task था। Giselle के बिना और ये मेरे बिना हम ये नहीं कर सकते थे। चल 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 भवे। भवे रितिका काफी स्लो थे, उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन लग नहीं रहा था। 30 seconds remaining. चल चल चल। रितिका और भवे
पप्पी जैसे वो ऐसे ऐसे कर रहा था लाइक सीरियसली मेरा कुत्ता तुम लोगों से अच्छा स्विम करता है। असाइनमेंट हमारा वो किसी तरह कंप्लीट हो गया जो कि हमें लग रहा था शायद नहीं हो पाएगा। हर्ष एंड सौम्या, साहिल एंड गुंजन। साहिल के साथ परफॉर्म करने को मिल रहा है पहला लव असाइनमेंट एंड वी विल एक्चुअली बी लव बॉम्बिंग ईच अदर गिफ्ट्स के साथ और इट्स सो परफेक्ट। मुझे साहिल को हराना था क्योंकि मेरे लिए साहिल और गुंजन उस समय स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स थे गेम के लिए। गो कम ऑन गाइस, ये शाबाश गुंजन, गुड, वेल डन गुंजन, वेल डन, कम ऑन साहिल। हमने स्ट्रेटजीज भी प्लान कर ली थी कि हमें कैसे रोप्स को टैंगल होने से बचाना है एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी कोऑर्डिनेटेड टू परफॉर्म दिस असाइनमेंट। पुला 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 फास्ट फास्ट प्रेजेंट का हां प्रेजेंट तो लेने थे उसको खींचता जा रहा अपनी तरफ। साहिल खींच, गुंजन गो डाउन अगेन, कम टू दिस साइड, हैव यू गॉट इट। चाहत की कश्ती में दो प्रेमी सवार, उनको देख के लग नहीं रहा था कि ये पूरी कश्ती को किनारे पे लेके जा पाएंगे। चल 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 चल, आप बाहर टाइम मत वेस्ट कर, कमांडो कमांडो कमांडो, आराम से हर्ष आराम से हो जाएगा, चल 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 राम से यार। हर्ष जैसे पूल से निकले तो ऐसे लग रहा था जैसे उनके पीछे किसी ने चार इंजेक्शन ठोके हुए हैं, वो इतनी बुरी तरह से चल रहे थे और इतनी बुरी तरह से वो स्लाइड पे चढ़े। हर्ष इम्यूनिटी, हर्ष इम्यूनिटी, कम ऑन, ये हर्ष, कम ऑन कम ऑन, सौम्या पुल पुल। हर्ष पता नहीं क्या करता है पूल में, जैसे तैर नहीं रहा था, भाग नहीं रहा था, लेजी की तरह वो टास्क परफॉर्म कर रहा था। Come on, खींच, छोड़ उसको रस्सी। Come on, Harsh, come on. Harsh, you fall नीचे से मत fall. Go, 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 Harsh. Full Soumya. Harsh के जो शक्लें बन रही थी, वो शक्लें देख देख के मेरे को बहुत आसा आ रहा था. Oh, oh, oh. Come on. Harsh और Soumya. एक लड़की लीड ले रही है, एक बच्चे को किनारे लगाने के लिए. बच्चे? गधा. गधे को. Why would she not take that damn present? Why would you not take the present that's on the top? अरे the gift is there. ये दोनों ही कपल पता नहीं क्या कर रहे थे, इन दोनों ने ही बहुत टाइम लगाया भाई। Go 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 go. जल्दी सौम्या। मुझे लग रहा था साहिल को ज्यादा स्ट्रगल लग रहा था गुंजन को खींचने में। मतलब वो भी फुसका निकला, फुसकी बॉम्ब। वो जब बेबी पुल मी क्लोजर टास्क था वो तो बहुत आसान लग रहा था बट करने में वो उतना ही मुश्किल था। सौम्य जल्दी आराम से, आराम से। मेरी रोप्स ऑलरेडी टैंगल हो गई हैं। मैंने दूसरी साइड देखा तो साहिल और गुंजन भी काफी स्लो थे। साहिल एंड गुंजन कम ऑन। मेरे लिए कोई छतरी लाओ, मेरे लिए कोई ड्रिंक लाओ क्योंकि दो घंटे तीन घंटे जैसा फील हो रहा था मुझे। 30 seconds remaining, come on. चल 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 सौम्या। गुंजन come on. बस 30 सेकंड्स बचे हैं और रोप समहाउ मेरे अराउंड टैंगल हो गई और साहिल पुल कर रहा था और वो और टाइट हो रही थी मेरे नेक के अराउंड। साहिल उसको खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, अरे मार डालेगा क्या बेचारी को। लास्ट गिफ्ट था वो मैं नहीं लेके जा पाई साहिल तक, बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ। फिफ्थ राउंड अगर हो जाता तो डेफिनेटली हमें टास्क जरूर जीत सकते थे।
well, well, there was your first love assignment of Love School Season 4. Baby, pull me closer. Did you feel close? Yes. Did you feel love bombed? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लव बॉम्ब कम और फोटो बॉम्ब जैसे ही थे, कुछ भी नहीं हुआ तुम लोगों से। मुक्ता, असाइनमेंट के बाद मतलब अब थोड़ी रो रही थी, उसके बाद अब हंस रही थी, अभी क्यों चेहरा बना रही है, क्या हुआ? एक्चुअली ना मुझे जिन चीजों से डर लगता है वो सारी चीजें इस असाइनमेंट में थी, पानी, हाइट और स्लाइड्स। आई फील सो बैड, आई couldn't do it for सागर। मेरे को किसी को ट्रस्ट करने में ही सबसे ज्यादा डर लगता है, उधर ही मेरी आधी गई थी। पता नहीं मैं अगर गिर गई तो वो मेरे को खींचेगा या नहीं। I just couldn't trust him. And somehow I feel कि टास्क के बाद I don't think that is true. I can trust him now. Thank you. I'm so happy. Her dancing, her exams, and now her assignment. निकल यार, ऐसे कर रहे हो, सब लिस्ट बनाओ एक फोबिया की, सब दे दो, तो उनको बोलो उसी हिसाब से असाइनमेंट डिसाइड करके दे दें हमें। ऑलराइट गाइस, सब लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, बट इट्स द रूल ऑफ अ गेम, एक विनर तो होता ही है। हमने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन सनी और मनप्रीत ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो हमें जानना था कि कौन विनर है। So with 5 minutes and 16 seconds, Manpreet and Sunny, you guys have won today's love assignment. मैं बहुत ज्यादा खुश थी, जो लोग मेरे पे बहुत ज्यादा उंगलियां उठा रहे थे मैंने सबका मुंह बंद करा दिया। कहीं ना कहीं हमने उनको दिखा दिया कि आखिर में जीत प्यार की होती है। Yes, I mean, मुझे जीतना चाहिए था, अब मुझे स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा सनी और मनप्रीत को ठिकाने लगाने के लिए। आप लोग हमारे अगले जजमेंट नाइट में इम्यून हैं और आप लोगों को मौका मिलता है MTV लव स्कूल सीजन 4 के न्यूली इंट्रोड्यूस्ड लव पैड में टाइम स्पेंड करने का। लव पैड, ये लव पैड बहुत स्पेशल जगह है। यहाँ पे आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, आपको एलिमिनेशन के बारे में डरने की जरूरत भी नहीं है, और कुछ ना कुछ सरप्राइजेस भी मिलेगा वहाँ पे। थैंक यू सो मच। मुझे जलन हो रहा है दैट इस बार हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं, सो वी नीड दिस लव पैड सेशन। हम लव पैड पे पहुंचते हैं और मुझे इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था, मुझे ऐसे लग रहा था कि आज मैं मनप्रीत को पहली बार मिल रहा हूँ। सेटअप बहुत ही ज्यादा प्यारा था और सनी भी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में था। यार कितना अच्छा सेटअप किया है, बहुत प्रीटी लग रही है। थैंक यू सो मच। और मुझे पता कैसा फील हो रहा है, मैं जैसे पहली बार तेरे को देख रहा हूँ। सीरियसली थैंक यू सो मच, रियली इतना रोमांटिक था, हमें लग रहा था कि अगर आज हम में रोमांस या आज प्यार नहीं हुआ ना तो फिर हम दोनों में ही कोई प्रॉब्लम है, हमें और कुछ नहीं फिर साथ में ला सकते। मैं इसके लैप पे लेटा हुआ, ये मेरे सर में हाथ फेर रही है, हो मुझे सच में बस ऐसे लग रहा था कि ये मोमेंट कभी खत्म नहीं होना चाहिए। यार सबको ये क्लियर करना है कि तूने आज इन दोनों को टारगेट क्यों किया था। कल एलिमिनेशन से पहले ही केम टू अस एंड ही सेड अब मैं मुक्ता के साथ पेयर अप करूंगा बिकॉज शी इज इन द हाईलाइट। इसने मुझे इतना बताया कि स्वॉप मैं करूंगा क्योंकि अब हो गया बहुत ज्यादा, अब मैं चेंज करके इसके रहूंगा। मैंने नहीं बोला, तू जो वहां पे फेक कर रहा था मैंने तो बोला, मेरे को शौक नहीं है किसी के भी पढ़ने में, अभी तक किसी के में भी नहीं पढ़ा। घुस रहे हमारे में क्यों घुस रहे थे, उसने तो बोला आप एक मेरे को पता नहीं था ये कोई कंटेस्टेंट भी है शो पे, नवप्रीत नाम का, तो मेरे को ये तो था इसको आज मैं बदलूंगा कुछ भी हो जाए। किसने बुलाया नीचे? मैंने तेरे को नीचे नहीं बुलाया, समझ रहा है? इतनी इंपॉर्टेंस ही दे रहा तेरे को मैं? आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, नहीं जा रहा, चांटा दूंगा।
वो धीरे 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 ज्यादा कूल बनने लग गया। फिर मेरे को यही था कि तेरे को यही अभी क्या अभी तंगड़ी का यानी उसको लगा जैसे वो सब पे चिल्लाता आ रहा था तो सब पे मेरे ऊपर भी प्रेशर बना देगा। बट जैसे ही उसने चिल्लाना शुरू किया मेरी आवाज चली गई ऊपर। उस सब फाइट में मुझे भी धक्का लग गया, मैं भी गिर गई। कहीं ना कहीं वो प्यार डेवलप हो रहा था, कनेक्शन डेवलप हो रहा था, तो सडनली मैं वो सब ले नहीं पाई। जैसे मेरे को भी धक्का मार दिया यार, इसको लड़की को धक्का दे रहा है यार। मैं उसको वहीं पे मैं उसकी जो इंजेक्शन ले लेके स्टेरॉइड्स ले लेके उसने ये बॉडी बनाई और मेरे पे अकड़ रहा था ना, वहाँ पे मैं उसको देता। मुक्ता जो कि हमारी ड्रामा क्वीन है तो ऑब्वियसली उसको बीच में तो आना ही था और उसका इन्वॉल्वमेंट होना भी बहुत ड्रामेटिक था। अगर दो लोग आपस में पुशिंग हो रही है बीच में होगी तो इट्स ऑब्वियस कि आपको लगेगी। देव और पूजन आर अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। मैंने सोचा क्यों ना कुछ करूं जिससे मुझे मेरा दुश्मन के बारे में और जान सकूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है लेकिन चार महीने से एक दूसरे के साथ हो। नो हम लोग चार महीने से एक दूसरे के दोस्त हैं क्योंकि हम मिले थे। एक सवाल है मेरा, हाँ। क्या तुम वफादार हो इसके साथ? आई एम, लेकिन एक बार इसके और मेरे बीच की एक बात है। एक बार हम लोग एक पार्टी में गए थे रात को एंड लाइक आई गॉट सुपर ड्रंक, ये भी था वहाँ उस रात को और ये चला गया एंड देन मैंने इसको कभी बताया नहीं कि एक लड़का जो मुझे पसंद करता है मेरा एक मॉडल दोस्त वो मेरे पीछे कब से पड़ा हुआ था। हम लोग बहुत ड्रंक थे तो हो गया, बस कुछ हो गया। तुम पूजन को ये बात बोलने वाले हो या नहीं? अब मैंने उसे नहीं बोला क्योंकि अभी हमारे 2.5 months ही हुए हैं। मैं उसे बताना चाहता हूँ लेकिन अभी सही टाइम पे ही मैं बताऊँगा ना उसको कि कुछ हुआ है हम लोगों के बीच में कि नहीं। ये क्या मसाला दे दिया मुझे दे बाबू? मैंने सोचा आग लगाने का इससे अच्छा मौका मुझे कभी ना मिले। मुझे लगता है देव का कोई इरादा है तुम्हें कुछ बताने को। मुझे बोल रहा था किसी ने इस पर चल लिया। Can you get to the point, please? हाँ, please. देव ने किसी और के साथ किया है। मुझे नहीं पता अच्छा ये तुम्हें मैं तुम्हें हेल्प अप देने वाला हूँ। आई थिंक ही इज चिल्ड्रन। It's not your place to tell him. Dev should have told Pujan. What? What did you confess to him? Did he tell you this? Did he tell you what means what? Oh God, Pujan, this is like he's just doing it. He creates problem here everywhere. Did you confess somebody or not? I was drunk, I was high. I don't know what happened that night. मुझे नहीं पता क्या हुआ उस रात को. Did you with somebody or not? Yeah. And मैं बताने वाला था. खाली 2.5 weeks हुए थे हमें. मुझे sure भी नहीं था. Can you leave me out for a minute? मैं बताने वाला था, पर मैं सोच रहा था क्यों बताऊं मैं जाके ये सब चीजें। Dev, may we just leave?